हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज मैं विडिंग मशीन से नेट की कपड़े में या साड़ी में किस तरह से पिको करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड, चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये हमने नेट की साड़ी को ले लिया है। फ्रेंड, पीको करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, तो हमारे साड़ी का एंड होता है फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, इसे आप काट ले। अगर आपका इसमें एक्स्ट्रा धागा निकला हुआ है तो उसे आप कट कर ले, नहीं तो फ्रेंड क्या होता है, ये हमारे प्रेशर बूट में जाके फंस जाती है और कपड़ा हमारा फंसने का डर रहता है, और फंसने के कारण फ्रेंड ये फट भी जाती है कभी कभी। तो फ्रेंड, इस सावधानी को आप बरतें पिको करने से पहले। फ्रेंड, सबसे पहले हम प्रेशर बूट के चाप को ऊपर की ओर ले लेंगे, उसके बाद इस तरह से देखिए, इस तरह से आप कपड़े के किनारे को पकड़े और इस तरह से प्रेशर बूट में फंसाएं। फंसाने के बाद आप चाप को नीचे की ओर रख लें, उसके बाद दूसरे हाथ से आप इस साड़ी के कोर को इस तरह से पकड़ें। देखिए, इस तरह से हम धीरे धीरे पीको करेंगे। आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमारा साड़ी का कोर काफ़ी खूबसूरत तरीका से राउंड शेप में मुड़ा है। इसी तरीका से फ्रेंड हम धीरे धीरे पिको करते जाएंगे। फ्रेंड, हम इस तरह से कपड़े को हल्का हल्का सा पकड़ेंगे और प्रेशर बूट में डालते जाएंगे। देखिए, इस तरह से जिस तरह से मैंने पकड़ा है, हमें ज़्यादा तेज़ी से मशीन को नहीं चलाना है। अगर ज़्यादा तेज़ से मशीन चलाएंगे तो कपड़ा हमारा फटने का डर रहता है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर की बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मैं मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी हुई वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप पीको करें। तो फ्रेंड, आपने देखा हमने किस तरह से पीको किया है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।